नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 17 भारत। मैं हूं आपके साथ देवेश कुमार गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की खास खबरों की ओर। शिकायत लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे खरोई गांव के ग्रामीण, दिगोड़ा पुलिस पर लगाए पक्षपात के आरोप। एसपी ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। रविवार को जिले के दिगोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खरोई गाँव के लोगों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए गाँव के दबंगों पर शासकीय जमीन पर कब्जा करने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की शिकायत करने दिगोड़ा थाने पहुंचे तो पुलिस ने सुनवाई नहीं की। ग्राम पंचायत खरोई के सरपंच शंकर अहिरवार ने बताया कि हरिजन बस्ती के लोग जिस जमीन पर सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, उसी जमीन पर गाँव के कोमल घोष, सोनू घोष, मोनू घोष ने जबरन कब्जा कर लिया है। मना करने पर तीनों लोगों ने मिलकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों के साथ मारपीट कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि जब मामले की शिकायत लेकर दिगोड़ा थाने पहुंचे तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि दिगोड़ा थाने में कोमल घोष के रिश्तेदार आरक्षक विजय घोष पदस्थ हैं, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं और थाने में शिकायत करने जाने वाले ग्रामीणों को बगैर सुनवाई के ही भगा देते हैं। कोमल घोष के रिश्तेदार आरक्षक विजय घोष के रहते दिगोड़ा थाने में सुनवाई नहीं की जा रही, इसीलिए हरिजन बस्ती के सभी लोगों ने रविवार को एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। एसपी कार्यालय पहुंचने पर एसएसपी सीताराम ने पीड़ित पक्ष के लोगों की शिकायत सुनी। उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इसके बाद भी लोग नहीं माने और एसपी के बंगले के बाहर जाकर खड़े हो गए। मामला बिगड़ता देख एसपी रोहित काशवानी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा देकर मामला शांत कराया। इनका कहना है कि जब नवभारत से खरोई ग्राम के हरिजन बस्ती के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे आवेदन में दिगोड़ा पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए, तो दिगोड़ा पुलिस पर लग रहे पक्षपात के आरोप पर दिगोड़ा थाना प्रभारी मैना पटेल ने इस संबंध में जानकारी दूरभाष पर लेने का प्रयास किया तो उन्होंने बार बार आवाज नहीं आने का बहाना करते हुए फोन काट दिया। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। मनोज कुमार अहरवार। कहां से आए हो? खरोई से। क्या दिक्कत परेशानी है आज? दिक्कत परेशानी ये है कि हमारी जो सार्वजनिक भूमि वहां पर जो हम लोग कई वर्षों से घूरे डाता है, कचरा फेंकाता है, तो आज कल रात्रि में 8-9 बजे के समय में हम लोगों को वहां पर कचरा डालने के लिए मना किया गया और हमारी बहन बेटियों की गाली दी गई, जिससे हम लोगों को बहुत ठेस पहुँची है। आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हमारी सार्वजनिक भूमि हमको दी जाए और हमारे समाज के द्वारा बिजली का ट्रांसफार्मर भी रखा गया था जो, और उस पर भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया है और लाइट बार बार मिटा भी देते हैं और मिटाने की धमकी भी देते हैं। यदि लाइट तुम लोग नहीं जला सकते हैं, हम जलाएंगे तो जला सकते हो और नहीं जलाएंगे तो नहीं जला सकते। किसने मना किया या किसने कब्जा किया उस पर? कोमल घोष ने। कहाँ के हैं ये? ग्राम खरोई। तो इसको लेकर कहीं शिकायत करने गए क्या? हाँ, शिकायत करने के लिए दिगोड़ा थाने में। क्या हुआ वहाँ? वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वहाँ से उन लोगों ने भगा दिया, इसलिए हम लोग टीकमगढ़ यहाँ पर अपनी शिकायत करके आए हैं। किसने भगा दिया थाने से? वहाँ से विजय। विजय कौन है? नाम है अम्मा आपका। कौन गांव से आई? क्या परेशानी दिक्कत है? हमको ये परेशानी है कि हमारी जगह, हमारे घूरे, हमको कचरा डालने के लिए कुछ जगह नहीं, हम सब छोड़ा ली हमारी। किसने छोड़ा ली? घोषी ने छोड़ा ली, कोमल घोषी ने। तो कहीं शिकायत करने गई? हाँ, शिकायत करने गए, किसी ने नहीं लिया हमारी शिकायत, हमको हटा दिया थाने से, हटा दिया दिगोड़ा थाने से, हटा दिया। किसने हटा दिया? कौन भगा देता? थाने वाले ने हटा दिया था, तुम्हारी कोई पैसा भर दिया उसको। क्या नाम है उनका जो भगा देते हैं थाने से? विजय घोष। रिश्तेदार हैं क्या उनके? उनके रिश्तेदार हैं, कोमल भाई के रिश्तेदार। तुम्हारा? गौरी शंकर अहरवा, ग्राम खरोई के रहने वाले हैं और विजय घोष की शिकायत करने आए थे एसपी ऑफिस, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और मेरे को खदेड़ रही है पुलिस, तो बड़ा तक खदेड़ा है। और जो क्या नाम है उनका, ये कोमल सिंह घोष और सोनू घोष, ये कब्जा करें मेरी जगह पे, यहाँ चोपड़ा मोहल्ला हरिजन बस्ती में डीपी का भी कब्जा करें, लाइट मिटा देते हैं रात के, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो पीछे से दोबारा तक पुलिस खरीदने गई है।